हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे बेसन की सब्जी। आप इसे रोटी, पराठा, राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे। अब इसमें आधा कप बेसन डालेंगे, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, आधा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए इसे मैंने मिला लिया है। अब इस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेंगे। घोल में गांठ नहीं रहनी चाहिए, घोल को हम पतला ही रखेंगे। देखिए इसे मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। इसका घोल इस तरह का होना चाहिए। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई अब गर्म हो चुका है तो अब इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छी तरह से फैला देंगे। देखिए तेल को मैंने अच्छी तरह से फैला दिया है और इसे हम थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल अब गर्म हो चुका है। अब इसमें हम बेसन का घोल डाल देंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। इसे हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो देखिए ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब हम एक प्लेट लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से फैला देंगे इस तरह से। देखिए इसे मैंने फैला दिया है। अब इसमें हम बेसन को डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो मैंने बेसन को अच्छी तरह से फैला दिया है। इसे हम ठंडा होने देंगे। देखिए ये अब ठंडा हो चुका है। अब इसे हम चाकू की मदद से इस तरह से हम काट लेंगे। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई अब गर्म हो चुका है तो अब इसमें हम तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल अब गर्म हो चुका है तो अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। इसमें हम कटे हुए बेसन को डालेंगे। इसे दोनों ओर से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब इसे हम पलट देंगे। अब दोनों तरफ से हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। मैंने सारे तेल को निकाल लिया है। इसमें चार चम्मच तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम एक सूखी लाल मिर्च डालेंगे, एक तेज़पत्ता डालेंगे, एक दालचीनी डालेंगे, एक इलायची डालेंगे, दो लौंग डालेंगे और आधा चम्मच जीरा डालेंगे। अब इन सभी को हम चटकने देंगे। देखिए अब ये चटक चुका है। तो अब इसमें दो बारीक कटी हुई प्याज को डाल देंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी आधा मिनट के लिए भून लेंगे। आधा मिनट हो चुका है। अब इसमें एक टमाटर जिसे मैंने पीस लिया है इसमें हम डाल देंगे। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए इसे मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब 4 मिनट हो चुके हैं। अब मसाले भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें एक गिलास पानी डालेंगे।
आधा छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। देखिए इसे मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है। अब इसे हम ढक देंगे। ढक कर मीडियम फ्लेम पर इसी तरह 4 मिनट के लिए उबलने देंगे। अब 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम फ्राई किए हुए बेसन डाल देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे हम मिला देंगे। फिर इसे हम ढक देंगे। ढक कर 1 मिनट के लिए और पकने देंगे। अब 1 मिनट हो चुका है और इसे हम एक बार मिला लेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए इसे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब बेसन की सब्जी बनके रेडी है। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।